हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किंगडम मोनेरा का, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानना होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वो दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, तब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरियाज में किंगडम मोनेरा के अंदर, वो होता है थ्रू कॉन्जुगेशन, थ्रू ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। 3 बताए थे मैंने आपको, तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को। चलिए जानते हैं सबसे पहले जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन था वो डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले ई कोलाई में लेडरवर्क एंड टेंटम ने क्या किया था, लेडरवर्क एंड टेंटम ने ई कोलाई में सबसे पहले कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया था। कॉन्जुगेशन जो होता है वो डायमॉर्फिक बैक्टीरियाज के अंडर होता है। डायमॉर्फिक बैक्टीरियाज में क्या होते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये फर्टिलिटी फैक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एफ पॉजिटिव और दूसरा होता है एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव जो होगा वो कैसे होंगे, ये फर्टिलिटी फैक्टर जो होते हैं ये डीएनए को देते हैं, और एफ नेगेटिव जो होता है एफ नेगेटिव फैक्टर रिसीव्स द डीएनए, ये डीएनए को लेते हैं। तो जो एफ पॉजिटिव है डेट इज डोनर बैक्टीरियम, और जो एफ नेगेटिव है डेट इज रिसिपियंट बैक्टीरियम। ये कैसा होगा, रिसिपियंट होगा। इससे पहले हम जानेंगे कि कॉन्जुगेशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में 2 अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है हम एक को मेल मान लेते हैं और एक को फीमेल मान लेते हैं, और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है डेट इज़ नॉट कॉल्ड रिप्रोडक्शन, हम इसको रिप्रोडक्शन भी नहीं कहेंगे इसको। अगर हम कहें तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर आता है, जिसमें कि 2 बैक्टीरियाज का डीएनए जो है वो हम आपस में ट्रांसफ़र कराते हैं, जिसकी वजह से नए बैक्टीरियम की ग्रोथ होती है, नया स्ट्रैंड हमें प्लाज्मिड का मिलता है। तो ये देखते हैं आगे का कॉन्जुगेशन किस तरीके से हो रहा है। चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, आपको यहाँ पर 2 सेल्स दिखाई दे रही होंगी, एक है आपकी डोनर सेल एफ़ पॉजिटिव और दूसरी कौन सी है, रिसिपिएंट सेल है डेट इज़ एफ नेगेटिव। यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, जो डोनर में है वो क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा और एक एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, लेकिन जो रिसिपिएंट सेल होगी, रिसिपिएंट बैक्टीरियम सेल होगी, उसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो होती हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ग्रोथ होती है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको इतना समझना है कि 2 बैक्टीरियम होंगे, एक हमारा डोनर होगा एक रिसिपियंट होगा। डोनर में क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए और एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, रिसिपिएंट में सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा। सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये आपस में कांटेक्ट में आएंगी और पाइलस का फॉर्मेशन करेंगी। किसका फॉर्मेशन करेंगी, एक स्ट्रक्चर बनाएंगी पाइलस, इसका फॉर्मेशन करेंगी। थर्ड स्टेज में क्या है, सेक्स पिलस की, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सेक्स पिलस की फॉर्मेशन हुई। थर्ड स्टेज में ये जो प्लाज्मिड है डोनर सेल का, ये डबल स्ट्रैंड है इसका, डोनर सेल के अंदर ये डबल स्ट्रैंड होगा, और जब ये रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र होगा तो इसका एक सिंगल स्ट्रैंड ही इसमें ट्रांसफ़र होगा। कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफ़र हो जाता है। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में अब आप देखेंगे कि दोनों के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए भी है और दोनों के पास एक एक प्लाज्मिड भी है। अब एक सिंगल स्ट्रैंड प्लाज्मिक डोनर के पास भी है और एक सिंगल स्ट्रैंड प्लाज्मिड रिसेप्टर के पास भी है। अब ये
ये वाला जो है वो ओल्ड ओनर हो गया और ये न्यू डोनर हो गया। लेकिन अभी कॉन्जुगेशन अगर हम फर्दर ग्रोथ की बात करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लाज्मिड कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंड है। अगर प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंड है, दोनों के पास एक प्लाज्मिड है, फिर क्या होगा कि इनको अभी रेप्लिकेट करके अपना प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंड का करना पड़ेगा, ताकि फर्दर कॉन्जुगेशन जब ये जो नया डोनर बना है ये अपना स्ट्रैंड जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू शेयर करेगा, तब इसके इसका भी एक इसके पास दो प्लाज्मिड स्ट्रैंड होने चाहिए, जिसमें से एक प्लाज्मिड स्ट्रैंड ये ट्रांसफ़र करेगा डोनर को, सॉरी रिसिपिएंट बैक्टीरियम सेल को। तो यहाँ पर ये किस तरीके से होगा, ये होगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से एफ प्लाज्मिड जो होंगे वो रेप्लिकेट करेंगे और फिर से ये डबल स्ट्रैंड बना लेंगे। तो ये था बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। इस ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं था, क्योंकि इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, या तो आपसे डिस्कवरी पूछ लेगा, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन में कौन कौन सी चीज़ें किस स्टेज पे फॉर्म होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे हमारा क्या होता है, पाइलस की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड में क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो जाता है डोनर एंड रिसिपिएंट सेल का। और थर्ड में प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड दोनों के पास पहुँच जाएगा और दोनों ही सेल्स जो है वो एफ पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी क्या था, स्टार्टिंग में एक जो डोनर सेल था वो एफ पॉजिटिव था और रिसिपिएंट सेल कैसा था, एफ नेगेटिव था। लेकिन जब लास्ट में प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है तो लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, दोनों ही सेल जो होते हैं एफ पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कि डोनर सेल बन गए हैं। तो ये आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है, आपको स्टेजेस जाननी थी, डिस्कवरी किसने की वो जानना ज़रूरी था, प्रोसेस जानना ज़रूरी था और कॉन्जुगेशन क्या होता है ये जानना ज़रूरी था। तो आपके एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा या इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स और फंक्शंस आ जाते हैं, उसके लिए हम अलग से एक टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो किंगडम मोनेरा से ही रिलेटेड है। तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि किंगडम मोनेरा के अंदर आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, जो एक बायोटेक्नोलॉजी की पूरी एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके उसी में होंगे। और आज से आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट होगी। बीच में आपकी कई क्लासेस मिस हो रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, डेली आपकी एक क्लास होगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।